अलैकुम नर्सरी क्लास। आज आपने उर्दू का पेज नंबर 39 सॉल्व करना है, जिस पे आपको दिए गए हैं जोड़ के तोड़ लिखिए। बे और पे के जो आपने हरूप से अल्फाज किए थे उन्हीं वर्ड्स के अब आपने तोड़ करने हैं। आपको पहले जोड़ के दिया गया है, आपने अब इसको तोड़ देना है, अलग अलग कर देना है। जोड़ तोड़, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। ये जिसकी किसकी आधी शक्ल है, जिसके नीचे एक नुक्ता होता है, बे। पूरा लिखना है, आधी शक्ल नहीं लिखनी। डैश अलिफ बे अलिफ बा, ये किसकी आधी शक्ल है, बे। डैश अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। बे वाओ बो, बे वाओ, ये बे की आधी शक्ल है और ये वाओ आ गया, बे वाओ। और ये लाम जो लंबी वाली होती है, लाम। डैश वाओ, लाम वाओ लो बोलो, बे वाओ लाम वाओ बोलो। ए अलिफ पा नून छोटी ये नी पानी, इसके नीचे तीन नुक्ते हैं, पे। पे अलिफ पा डैश, ये किसकी आधी शक्ल है, नून। ये छोटी है, पे अलिफ पा नून छोटी है नी पानी, ये किसकी आधी शक्ल है, ते। ये क्या है, अलिफ, ते अलिफ पा, ये क्या है, काफ। ते अलिफ पा काफ पाक, ते अलिफ पा काफ पाक। पेवाओ को दाल अलिफ्ता पौधा, ये किसकी आधी शक्ल है, पे। ये इसके साथ क्या है, वाओ। पेवाओ को, ये क्या है, दाल, ये क्या है, अलिफ। पेवाओ को दाल अलिफ्ता पौधा। अब आज आपका एक नया काम शुरू हो रहा है, जिसमें आपने आपको दिया गया मुतलका तस्वीर के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको जो तस्वीर दी गई है इनके नाम लिखने हैं। पहला हर्फ नहीं लिखना, अब आपने इनके नाम पूरा लिखना है। सबसे पहले ये देखें, जो टूंटी होती है, ये टैप होती है, उससे क्या निकलता है, पानी। पानी, ये एरो भी बना हुआ है, पानी। पानी आग, ये देखें ये लकड़ियाँ जल रही हैं, आग। आग ये देखें, ये अंकल बूढ़े से हैं, जो बूढ़े अंकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाबा। बाबा अनार, अनार। पानी पा नून छोटी पानी, ते अलिफ पा नून छोटी नी पानी, अलिफ मर आग आग, अलिफ मर आग आग। बाबा बे अलिफ पा, बे अलिफ पा बाबा, बे अलिफ पा बे अलिफ पा बाबा। अनार अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, ते अलिफ पा नून छोटी नी पानी, अलिफ पर आ गा आग, दे अलिफ पा बाबा, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार। अब आपने ये तस्वीर के नाम को अच्छे से ज़ुबानी लर्न करना है और इनके
जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं, इनको लिखना कैसे, ये भी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज़।